अस्सलाम वालेकुम। उर्दू साइंस डीप थिंकर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल डीप थिंकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि FIA में बहुत से इंटरेस्टिंग जॉब आ चुके हैं। अगर आपसे बाज़ार दूर है या फेसेस ज़्यादा लगते हैं और FIA पर अप्लाई भी करना चाहते हो तो अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं घर पर तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको एक प्रोफाइल बनाना होगा। उस प्रोफाइल में एक मसला ये होता है कि वो आपसे ब्लू बैकग्राउंड या सफ़ेद बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज पिक्चर मांगता है जो कि बाज़ार के अलावा मुमकिन नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ऑफलाइन पासपोर्ट साइज पिक्चर भी देना है, उसकी बैकग्राउंड भी चेंज करनी है विदाउट फेस से, बिल्कुल आसान। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद FIA की वेबसाइट पर जाए या मैंने जो तस्वीर डाला है उसको देख ले। आपसे ये पिक्चर ज़रूर मांगता है जो कि मैं आपको ऑफलाइन बताने वाला हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के पेस आर्ट ऐप्स को ओपन करना है। ये हर किसी के मोबाइल में होता है। ऐप्स ओपन होने के बाद आपने नीचे आना है। आपको प्लस का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है, नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद ऐप्स तकरीबन ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद अगर आप इधर बैकग्राउंड पर आते हो तो आपसे ऑनलाइन मांग रहा है। आपके पास MB नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा स्क्रॉल करना है, फोटो को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी गैलरी खुल जाएगी। देखिए आपने किसी एक को सेलेक्ट करना है, जैसे मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप ऐड पे क्लिक करना है। आने के बाद आपने रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। जैसे ही बिल्कुल आप देख सकते हैं थोड़ा सब्र करने के बाद ये बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप ख़ुद देख सकते हैं। आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है, थोड़ा क्राफ्ट करना है। तो देखिए जैसे ही इसके बाद मैं ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ फिर भी मुझसे ये ना पैसे मांग रहे हैं कि आप इतने टाइम के लिए फ्री कर दो। देखिए खुद इसको करने के बाद आपने सिंपल उसी की पिक्चर को लेना है जिसने आपने एडिट किया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे सिंपली स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे क्रॉप करना है और वहाँ पर पेस्ट करना है।